हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएपुन उज्जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ GSTR 3B रिटर्न को सही तरीके से फाइल करने का ऑनलाइन तरीका। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने काफी चेंजेस जो आए थे वो अपलोड किए थे, बट फिर भी आप इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर GSTR 3B को लेकर ये डिटेल्ड वीडियो है। इसमें GSTR 3B की हर टैब को मैं ब्रीफ करूंगा। उसके बाद भी अगर आप इसमें गलती कर रहे हैं तो आपके पास GST से नोटिस आ सकता है और कुछ भी पेनल्टी लगाकर वो उसमें भेज सकते हैं। तो GST में रिटर्न आप खुद से फाइल करें ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको सही तरीके से समझकर अच्छे से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये GST की रिटर्न पर GSTR 3B में जो लेटेस्ट चेंजेस आए थे, तो वो दिसंबर ऑनवर्ड से अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया था नवंबर में भी आपको फॉलो करना था, बट अगर आप अभी भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम होने ही होने वाली है। तो जो नवंबर की रिटर्न आप अभी दिसंबर में भरने वाले हैं उसके लिए काफी स्पेशल वीडियो है, बट ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शॉर्ट में ही रहेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको टेबल नंबर 3.1 की बात बता देता हूं। इसमें मैंने बताया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं। एक तो रेंटल के केस में जहां पर लेटेस्ट रिवर्स चार्ज अप्लाइड हुआ है उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई हो गया है। पहले कॉमर्शियल पे तो जो था फॉरवर्ड चार्ज था ही, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसके साथ साथ यहां पर क्या मिस्टेक हो रही है कि जो आपकी ये आउटवर्ड सप्लाई है, पहली बात ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, GSTR 1 में अगर आपने अपनी सेल को जीरो रेटेड वैल्यू में दिखाया है तो वो रॉन्ग है। अगर आप कॉलम नंबर 4 में रजिस्टर्ड पार्टी को भी सेल कर रहे हैं और जीरो दिखा रहे हैं तो वो गलत है। उसके लिए सही टेबल है टेबल नंबर 8, सेपरेट वीडियो है GSTR 1 की। आप यहां पर जाकर चेक करेंगे, सीपन जैन के नाम से यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, वहां पर वीडियो देख लेना। उसमें कोई चेंज नहीं है GSTR 1 में, वो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है। फिर उसके बाद अगर आपने वो वहां पर गलती कर दी है तो यहां पर उसको आप चेंज कर लीजिएगा। वो फिगर यहां पर नहीं आएगी टोटेलिटी में, उसको आपको अलग से शो करना है, वो निल रेटेड वाले में, मतलब यहां पर रिपोर्ट होगी। समझिए, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर जब मैं GSTR 1 फाइल करता हूं, मैं आपको GSTR 1 भी एक बार ओपन करके दिखा देता हूं। तो अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं जीरो रेटेड में तो आप यहां पर एंटर करते हैं उसको, बट वो गलत है क्योंकि उसके लिए सेपरेट टेबल यहां पर इन्होंने दी है जिसमें जीरो वाली भी, निल वाली भी और एग्जेम्प्टेड वाली भी इन्होंने अलग अलग दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब आप यहां पर उसकी सही तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे तो वो 3B में सही जगह पर डाटा रिफ्लेक्ट होगा। कहां पर रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेबल नंबर 3.1 है उसमें ये डाटा यहां पर जाएगा, कहां पर, जो नीचे से रो नंबर 3rd में, यहां पर आप देखिए ध्यान से देखिए, और उसके सामने कोई भी GST का रेट नहीं है। यहां पर वैल्यू अगर आपने कंबाइंड करके डाल दी वो उस पर टैक्स तो नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि उस वैल्यू पर टैक्स तो आएगा नहीं, तो वो गलत होगा। तो वो वैल्यू यहां पर रिपोर्ट होनी चाहिए, नीचे से 3rd रो है, ठीक है, ऊपर से भी 3rd रो ही है, यहां पर वो आपको लेनी है। जब आप वहां पर सही वैल्यू भरेंगे रिलेटेड एग्जेम्प्टेड वाले में वो यहां पर आएगी, और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई में यहां पर आएगी। इनवर्ड सप्लाई में ट्रांसपोर्ट का केस हो गया, रेंटल का केस हो गया, उनका आपको यहां पर वैल्यू और इसका इनवॉइस भी खुद से बनाकर रखना है। अगर इनवॉइस आप लायबल हैं तो इनवॉइस के लिए, उसके लिए मैंने बताया था जहां पर इनवॉइस लायबल है, अगर आप ई इनवॉइस बनाते हैं सेल के लिए तो इनवर्ड सप्लाई में रिवर्स चार्ज के लिए भी ई इनवॉइस बनाना है। तो GSTR 3B में पहली गलती यहां पर, दूसरी यहां पर, डन। फिर उसके बाद यहां पर भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट था, इसके बेस पे टैक्स जो है डिफाइंड नहीं हो रहा है। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सेल आउट कर रहे हैं तो केवल वैल्यू यहां पर देनी है, टैक्स तो आपका वहां पर जा चुका है। रिपोर्टिंग के लिए टेबल बनाई गई है ये वाला, इसमें कौन वैल्यू एंटर करेंगे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ये टेबल उनके लिए बनाई गई है। तो आपको यहां पर डाटा एंटर नहीं करना है, अगर आपने डाटा यहां पर एंटर कर दिया तो वो गलत है। यहां पर वैल्यू डाल दी, यहां पर डाल दी, तो वो गलत है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा जो ऑनलाइन सेलर्स हैं। इंटर स्टेट सप्लाई की रिपोर्टिंग, अगर आपने टेबल नंबर 7 सही तरीके से नहीं भरी है तो वो वैल्यू यहां पर करेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो आप उसको मैनुअली एंटर करके एंटर कर सकते हैं। यहां पर इस वाले टेबल में क्या है ध्यान से देखिए, मैं यहां से रीड करता हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और इंटर स्टेट सप्लाई, केवल वही आपको, मतलब दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई कर रहे हैं वही यहां पर आपको रिपोर्ट करनी थी। रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है ये। वैसे डाटा टेबल नंबर 7 से खुद से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया आता है,
तो अगर वहां पर भी डाटा गलत भर दिया GSTR 1 में तो ये भी गलत आएगा, बट GSTR 3 भी भरते वक्त आप इसको सही कर लीजिएगा। तो यहां पर मैंने बता दिया दो मिस्टेक यहां पर हो रही है, एक यहां पर, तीन, और एक यहां पर मिस्टेक हो रही है, चार। अगली गलती है वो GST में ITC की है। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं, क्या कि जो ITC है आपको सारा ITC इनवर्ड्स जो भी आपने सप्लाई ली है, रिसीव किए हैं एज ए रिसिपियंट, गुड्स की हो सर्विस की हो, वो इस वाले कॉलम में एंटर करनी है। बट जो रिवर्स चार्ज वाली है उसके लिए सेपरेट कॉलम दिया गया। इसी तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए सेपरेट है, और ये ISD वाले प्रोविजन जनरली नहीं अप्लाई होते हैं। इससे ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, मैंने पहले भी बताया था। बट आप क्या कर रहे हैं, जहां पर डेबिट या क्रेडिट नोट्स की बात आ रही है, तो क्रेडिट नोट में जब वैल्यू सामने वाले ने एंटर कर दी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, अब वो यहां पर आपके वो डेबिट क्रेडिट नोट की बात नहीं हो रही है, यहां पर परचेज से रिलेटेड हो रही है। जो सर्विस या गुड्स आपने परचेज किए हैं उस पर जो आपका ITC है, सामने वाले पर्सन ने आपको क्रेडिट नोट दिया है, वो आपको अलग से रिवर्स करना है। ऐसा नहीं है कि ये जी हमारा यहां पर टोटल ITC आ रहा है और उसमें से हमने लेस करके यहां पर दिखा दिया। देखिए यहां पर आप लेस करके दिखा तो देंगे, बट दो चांसेस हैं कि जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो वो डाटा यहां से आपका रिकनसाइल नहीं होगा। और दूसरी क्या गड़बड़ होगी कि यहां पर जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल कर रहे होंगे तो GST जो ITC रिवर्स वाला है उसके एंट्री आपने अलग से नहीं की, आपने क्या करा टोटल में से वैल्यू को लेस कर दिया, तो वो भी मिसमैच आ जाएगा। तो जब आप कोई भी सप्लाई वापस कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ITC यहां पर रिवर्स करना है, ठीक है? अदर्स में आके रिवर्स कीजिएगा। रूल 38, 42, 43 और ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड अगर कोई रिवर्सल है, जैसे कि ये स्पेशल केसेस होते हैं बैंकिंग कंपनी का, एक तो रिवर्सल, दूसरा ब्लॉक क्रेडिट, जहां पर आपको यहां पर वैल्यू आएगी आपकी टोटल, जैसे कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलता है, तो अलग से रिवर्स करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे ही लेस करके आपने ऊपर ही ऑल अदर ITC में से लेस करके दिखा दिया कि हम तो इसका क्लेम नहीं करेंगे, हम उसको हटा देंगे। तो पहले ऊपर ग्रोस फिगर आएगी, फिर ये जो बी वाला पार्ट दिया है इसमें आपको यहां पर दिखाना है लेस करके। जब तक लेस नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू सही नहीं मानी जाएगी, और ना ही आपका डाटा सामने वाली पार्टी के डाटा से मैच होगा, मतलब जो आप, जो सामने वाला सेलर है जिससे आपने गुड्स या सर्विस परचेज किए हैं, ठीक है? ये जो टेबल नंबर डी दी गई है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, ये केवल रिपोर्टिंग की टेबल है, इसके बेस पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई चेंज नहीं होता है। तो ITC अगर आपने पहले रिवर्स कर दिया था, जो 180 डेज वाली कंडीशन होती है उसके बेस पर भी अगर रिवर्स किया था, फिर आपने रिक्लेम किया है, या कोई अदर कंडीशन थी, जैसे कि रूल 37 में है कि अगर आपके जो जिससे आपने बाय किया है सामान वो टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो आप उसको रिवर्स करेंगे, फिर आप जब वो टैक्स पे कर देंगे तब आप उसको रिक्लेम करेंगे, तो उस टाइप की कोई सिचुएशन अगर है, या फिर जो POS रूल होते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के ITC, उसमें रेस्ट्रिक्ट होता है अगर, तो उसके लिए भी यहां पर डिटेल्स अलग से शो करने वाली बात है। मतलब ये जो डिटेल है वो यहां पर अलग से दिखानी है इनएलिजिबल ITC रिगार्डिंग, और कोई भी अगर ITC POS रूल के अकॉर्डिंग ब्लॉक्ड है, तो सपोज कीजिए आप होटल की सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो होटल वाले क्या करते हैं, वो हमेशा CGST SGST चार्ज करते हैं। अगर आपने दूसरे स्टेट का उनको GST नंबर दिया है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहां पर रिवर्स करेंगे फिर उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, मैंने बस एग्जाम्पल दिए हैं, इसकी स्पेशल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा एक बार, ये कंफर्म कर दिया। तो मैंने अभी तक यहां पर जितनी मिस्टेक है वो कवर कर ली। फिर उसके बाद यहां पर ये जो टेबल है, अगर आप कोई भी ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जिस पर GST अप्लाई नहीं होता, जीरो रेटेड हो, निल रेटेड हो, एग्जेम्प्टेड हो, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ सर्विसेज या गुड्स भी तो रिसीव कर रहे होंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपकी जो सप्लाई है वो 100% जो है उस टाइप की हो कि भाई वो एग्जेम्प्ट हो गई है, जहां तक कि अगर आप एक्सपोर्ट ना कर रहे हो, ये एक्सपोर्ट के केस में पॉसिबल है, इसी तरह के और भी ऑप्शन हो सकते हैं SEZ के केस में, बट कुछ ना कुछ ऐसी सप्लाई आपके पास आती होगी जो कि सामने वाले पर्सन उस पर जो है वो GST चार्ज नहीं करते होंगे, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसा खर्चा बुक कर रहे हैं, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, तो मंथली उसकी रिपोर्टिंग भी यहां पर करनी है। इंटर मीन्स अदर स्टेट, इंट्रा मतलब लोकल, ठीक है? उसके सामने ये रो बनाई गई है क्योंकि इसमें कंबोजन स्कीम वाले को एग्जेम्प्टेड और रिलेटेड सप्लाई को एक साथ रखा है, और नॉन GST वाले को अलग से। ये रिपोर्टिंग के लिए टेबल बनाई गई है, अगर आप इसमें रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कल को आपके डाटा में काफी बड़ा मिसमैच आ जाएगा, और आपके पास नोटिस आएगा इसका कि सर आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर
जीएसटी नहीं लगता है, ऐसे मिल्क अगर एग्जाम्पल ले लें तो उसपे भी नहीं लगता है, ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप एक बार ये चीज चेक करिएगा कि कहीं आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे। इंटरेस्ट और लेट फीस वाले में मैंने बताया था, जो इंटरेस्ट यहाँ पर अगर खुद से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक बार रिकम्प्यूट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी डाटा यहाँ पर चेंज हो जाता है। बस इसमें ये था, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। GSTR 3 भी आप खुद से फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बट डाटा को करेक्ट तरीके से फाइल कीजिएगा। हर टेबल मैंने ब्रीफ कर दी, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। अब उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, प्रोसीड टू पेमेंट पर जाकर पेमेंट करनी होती है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली आते हैं, जो टैक्स आपका अगर बन रहा होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे टैक्स वाले, आप जो है लेजर में चले जाएंगे, वहां से टैक्स की पेमेंट करनी है। अगर यहाँ पर बैलेंस आपका ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड टू फाइल करके ईबीसी से वेरीफाई करना है, आपकी 3B जो है वो फाइल हो जाएगी। ये था कंप्लीट वीडियो, पूरी डिटेल के साथ मैंने ये भी बता दी क्या क्या मिस्टेक हो रही है। जो अभी तक हो गई है वो हो गई है, आगे जब आप दिसंबर की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जो भी लेटेस्ट चेंज आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके कीजिएगा। कुछ अदर भी चेंजेज आए हैं लेटेस्ट, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा जब नेक्स्ट मंथ में आप 3B फाइल कर रहे होंगे। चैनल पर इसी तरह के काफी सारे वीडियो हैं जिसमें जीएसटी या इनकम टैक्स की काफी सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। बेसिक अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप के पार्ट भी। प्लेलिस्ट में जाकर स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।